हाँ तो उसमें यहाँ पे लुपिन फार्मा के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको लुपिन फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 12% से बढ़कर 4,270 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकलकर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 18% से बढ़कर 548 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकलकर आया है। अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स हैं यहाँ पे काफी अच्छे हैं। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 21% से बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 548 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 108 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि अराउंड 5 गुना यहाँ पे हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर भी यहाँ पर अच्छे हैं और क्वार्टरली बेसिस के भी यहाँ पे नंबर कंपनी के अच्छे हैं। अब ये देखिए अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अराउंड 51,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है और इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे आपको लगेगा थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन जो भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उससे यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो हमें और कम होता हुआ नजर आएगा। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो अराउंड 3.71 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑल्दो यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं पिछले साल थोड़े से घिरे थे, लेकिन अगर हम इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और ईयरली बेसिस पर भी हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर कंपनी ग्रो करती रहेगी और हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे 1119 पे यहाँ पे लुपिन का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1728 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 30% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए अगर आपने लुपिन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए। हाँ, लेकिन आपने यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 से 15% की यहाँ पर एक ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 से 15% का CAGR आप आने वाले 5 साल में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर कंपनी किसी क्वार्टर में आउट परफॉर्मेंस दिखाती है तो वहाँ पर थोड़ा अल्फा भी वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। बाकी लुपिन ने एक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, यानी 20 से 25% की ग्रोथ अगर यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप गलत हैं। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो सही लगे आपको वैसे ही काम करना है। बाकी लुपिन के ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि लुपिन के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।